एक मसला ये जो इटली से शुरू हुआ हेलीकॉप्टर घोटाला जिसे कह रहे हैं, दूसरा जो इटली ने धोखा किया और उस मसले पर इस वक्त लोकसभा में हंगामा चल रहा है, आपको सीधे वहां की तस्वीरें दिखाते हैं। पूछिए, दूसरा सवाल पूछिए। संख्या 221 हम सबको अध्यक्ष महोदय हम सबको अध्यक्ष महोदय हम सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री जी एक जाने माने अर्थशास्त्री हैं और जब प्रधानमंत्री जी देश के वित्त मंत्री बने थे तो देश के लोगों को आमदनी बहुत ज्यादा अच्छा थी और ये कहा भी जाता है कि देश के अर्थशास्त्र को प्रधानमंत्री जी ने अपनी पत्थर लाने का काम किया था नई अर्थनीति लेकर वो आए थे, लेकिन आज अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री को देखिए, इट इज कॉजिंग ग्रेट एंग्विश एंड आई सेड आई विल अलाउ यू इन द जीरो आवर प्लीज। सवाल पूछा। जबकि देश को मालूम है कि प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री है और अर्थशास्त्री होने के नाते देश के लोगों को बहुत सारी उम्मीद प्रधानमंत्री जी से थी। प्रधानमंत्री जब 91 में वित्त मंत्री देश के बने थे तो जीडीपी की बात शुरू हुई थी कि देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया, उस वक्त चर्चा होती इनकी अर्थनीति की, लेकिन आज जो जवाब हमें मिला है वो निराशाजनक है। ये पूरे देश के अंदर ये सवाल है कि इन्होंने जवाब में कैसे बोला, ये मंत्री लोग झगड़ा करेंगे तो कैसे होगा मैडम। हमने आज देश के अंदर जो इकोनॉमी की हालत है, जवाब में उन्होंने कहा है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, जवाब में कहा है कि हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, डीआई पे काम कर रहे हैं, लेकिन आज देश में वो नया बजट है उसमें 90,000 करोड़ रुपए की कमी आपने कर दी है। कोल में 25 साल से आज